बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा इस्लामिक हिस्ट्री की प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ रजब की दूसरी जुमेरात के दिन का एक खास वजीफा, एक खास अमल जिक्र करूंगी। और ये खास अमल अल्लाह ताला के एक खूबसूरत सिफाती नाम का अमल है, या मुईजू, जिसके मायने इज्जत अता करने वाला, अजमत अता करने वाला। इस इस्म मुबारक की बहुत ज्यादा फजीलत और बरकत है। जो कोई इस नाम का वजीफा करता है, अल्लाह की जात उसे इज्जत, शोहरत और आला मुकाम अता करता है। महलूक की नज़र में वकार और अमवारी दुनिया में तरक्की हासिल होती है। इस इस्म मुबारक या मुईजू की बरकत से मिलने वाली नेमतों में बंदगाने खुदा को भी शरीक करना चाहिए। इसके अलावा दस्तरहान को वसत देकर लोगों को इससे फैजयाब होने की दावत देनी चाहिए और इस तरह शुक्राने नेमत का एहतमाम करना चाहिए। अपनी गलती या कोताही के बायस बदनामी और जिल्लत का शिकार होने वाला शख्स अगर इस इस्म मुबारक को पढ़ेगा तो अल्लाह की जात उसे वो इज्जत, वकार और रहमत खुदावंदी नसीब होगी कि दुनिया उसे देखती रहेगी। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, सूरत मुनाफिकून में है कि इज्जत का मालिक अल्लाह है। इज्जत तो रसूल अल्लाह के लिए है, इज्जत तो मोमिनीन के लिए है, मगर मुनाफिकों को इस बात का इल्म ही नहीं। या मुईजू के मालिक का कमाल देखिए, किसने बाज इंसानों को बाज इंसानों पर फजीलत बख्शी, बाज को बरतरी। आप पत्थर को देखें कि इसमें भी जिंदगी, रूह और खासियत है, मगर वो लोगों के ठोकरों में मारा मारा फिरता है। इसके सर पर हथौड़े चलते हैं, वो हरकत से महरूम है। अल्लाह ने पत्थर को जलीलो पस्त ठहराया, पत्थर की किस्मत में हराबी लिख दी, तो कौन है जो इससे दिल सकेगा। मगर निबातात, जमादात, हैवानात में से सबकी फितरत में जो अख्तलाफ है, वो अल्लाह ताला वाजिया फरमाता है। वो मुहावरा भी इस फितरत का आकाश है कि जैसी रूह है वैसे फरिश्ते। अगर इंसान तवज्जो करे तो ये देख सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने या मुईजू ने निबादात को जमादात पर फजीलत बख्शी। निबादात में हरकत, हिलने जुलने और खाने पीने की हासियत है, और बहुत सी निबादात की खुराक तो इसका रिज़्क बने बगैर ना रह सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को कमाल की सरबुलंदी और सलाहियत बख्शी। अगरचे इज्जत का एक दर्जा नहीं, बहुत से मदारिज हैं। किसी को दुनियावी इज्जत और वकार और वसाइल बख्शे तो किसी को आहरत की इज्जत का ताज बख्शा। तो मेरी इस्लामी बहनों, इस इस्म मुबारक की इज्जतों पर कुर्बान जाएं, वो क्या बेहतरीन इज्जत बख्शने वाला है। फरिश्तों को अपनी बारगाह में क्यों रखता है, इसलिए कि वो जुर्म से मासूम और इंसान से बुलंद है। मगर जिस इंसान को अपनी इज्जत से मोहब्बत है, वो फरिश्तों से भी बुलंदतर है। जो अपनी इज्जत का दुश्मन हुद है, वो शैतान से भी बदतर है। मेरी इस्लामी बहनों, इस नाम की और भी बहुत सी फजीलत और बरकात हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ इस नाम की मुख्तसर सी फजीलत और बरकात जिक्र कर रही हूं। तो उससे पहले मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुँच सके। अल्लाह। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, आपने रजब की दूसरी जुमेरात के दिन अल्लाह के इस नाम को इज्जत और वकार में इजाफे के लिए इस नाम को कसरत के साथ पढ़ना है, और इस नाम के अव्वल आहिर आपने दरूद पाक को लाजम पढ़ना है। अव्वल आहिर साथ साथ मरतबा दरूद पाक पढ़ें और दरमियान में एक तस्बीह या मुईजू, या मुईजू, क्योंकि इस नाम की बड़ी ताकत और इस नाम की बड़ी ही तासीर है। इस नाम की बरकत से अल्लाह ताला की जात आपकी इज्जत में इजाफा फरमा देगा। तो मेरी इस्लामी बहनों, आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और अनसब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह।